चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ये तीन बातें आपसे छुपाई गई सभी से, मालामाल या कंगाल। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास में रिलायंस पावर का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि तीन बातें आपको किसी ने नहीं बताई आज तक और सभी लोगों ने आपसे छुपाई है। देख लेंगे और पूरी डिटेल से देख लेंगे अगर आपके पास में है तो। यहाँ पर देखो 16 रुपए का ये रिलायंस शेयर हो रहा है, 25 रुपए का 52 खाई बनाया था, इसमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, फिर वहाँ से लगातार गिर रहा है और अपने इसी सपोर्ट पर है। पहले सपोर्ट देख लेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 15 रुपये 83 पैसे का, 15 रुपये 67 पैसे का, 15 रुपये 43 पैसे का है। ऊपर के रजिस्ट्रेशन है 16 रुपये 23 पैसा, 16 रुपये 47 पैसा, 16 रुपये 63 पैसा। देखो इसे ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, इसलिए एक महीने से घुमा रहा है। वो जितना भी मार्केट में माल आ रहा है ना, 100% पूरा माल लोग घर पर लेके जा रहे हैं। 25% लोगों ने बोल दिया कि सेल कर दो भैया, कुछ नहीं रखा इस कंपनी में। और देखो यहाँ पर इसका शेयर प्लीज भी है और प्रमोटर के पास में माल भी है। अब थोड़ी डिटेल और ले लेते हैं इस कंपनी भाई, एक बार इसका फंडामेंटल पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों देखो 5440 करोड़ का मार्केट कैप है। देखो स्टॉक पी रेशियो कुछ नहीं है, ROE 5 है, ROE माइनस में है। डेप्ट है 23,114 करोड़ का और कैश पड़ा है कंपनी में 8,880 करोड़ का, यानी कि डेप्ट बहुत ज्यादा है और प्लीज भी है 25% हिस्सेदारी। मतलब जितना माल प्रमोटर के पास में हम मान सकते हैं उतना उन्होंने गिरवी रख रखा है। DI वाले नाम मात्र के, FI वाले नाम मात्र के, वॉल्यूम भी हो रहा है, अर्निंग पर शेयर माइनस में है। करंट एसेट है 5777 करोड़ का, लाइब्रिटीज है 8316 करोड़ की। और यहाँ पर देखो क्वार्टर सेल्स 11% है, सेल्स ग्रोथ माइनस में है। बुक वैल्यू की 36.10 रुपये, करंट प्राइस है 16 रुपये। देखो कंपनी का अगर फंडामेंटल की बात करें ना तो एकदम वीक है क्योंकि अपने मार्केट कैप से जुना तो अपने मार्केट कैप से 4 गुना तो ज़्यादा डेप्ट है, बट केस है बहुत कम है। एसेड है लेकिन उससे ज़्यादा लाइब्रेरी कर्जे हैं कंपनी में। लेकिन देखो कंपनी ने जितना भी प्लीज है सारा प्लीज है शेयर, मतलब फंडामेंटल बात करें तो वीक कंपनी है बहुत ज़्यादा, बट इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है। जिसका बिजनेस मॉडल है ना बहुत ज़्यादा लग्जरी है, पावर का है और आने वाला टाइम इन्हीं का है। देखो ये पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कैपेसिटी है देखो 5945 MW और इंक्लूड देखो 5760 MW फॉर्मर कैपेसिटी, यानी कि और आने वाले टाइम में ना इसका बिजनेस है बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि सरकार वगैरह सब इनकी हेल्प कर रही है। आपको पता है पावर वाले जो स्टॉक है उसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी। अब ये तो देखो हो गई नॉर्मल बात। अब देखो दोस्तों इस कंपनी को तो टाइम तो लगेगा, लेकिन आप लाखों रुपए लगा रहे हो ना वो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। लाखों रुपए लगे, 1,000 2,000 5,000 रुपए आप लगा सकते हो क्योंकि कंपनी लाखों रुपए लगाने वाली कंपनी नहीं है क्योंकि फंडामेंटल एकदम जीरो भी तो है ना। दूसरी बात इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसके पास में पावर प्लांट है, पावर की क्षमता है बहुत ज़्यादा, पावर कैपेसिटी की क्षमता है 185 MW वगैरह, ये बहुत ज़्यादा पावर के सेगमेंट में काम करती है। थोड़ी डिटेल और ले लेते हैं। देखो पॉजिटिव चीज़ें 9 है और नेगेटिव इसमें 13 चीज़ें हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि और डरावनी खबर क्या निकल के आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो FI वालों ने तो बढ़ाई है हिस्सेदारी, FI वालों ने 7.79 थी अब 7.97 कर ली है, म्यूचुअल फंड वैसा का वैसा है प्रमोटर ने। बट यहाँ पर हुआ क्या है, देखो यहाँ पर प्रमोटर ने भी माल सेल किया है। प्रमोटर ने 14 अक्टूबर 2022 को, मतलब इसी को प्रमोटर ने भी है जो माल सेल किया है। दोस्तों ये भी एक डरावनी खबर है कि प्रमोटर ने भी माल सेल करी है, इसलिए आपको लाखों रुपए नहीं लगाने, बस बिजनेस मॉडल अच्छा है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी, कंपनी ग्रो भी करेगी, बट टाइम लगेगा और जल्दी देखो ज़्यादा भी नहीं उम्मीद लगा सकते तो इसका बुक वैल्यू के पास में स्टॉक जाता हुआ नजर आ जाएगा। 30-50 रुपये के लेवल में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ज़्यादा भी नहीं तो बुक वैल्यू के पास तो आपको ये कभी भी जाता हुआ शेयर नजर आएगा। लास्ट टाइम भी 25 रुपये के 52 खाई मिला था। तो यही है, Q2 रिजल्ट का टाइम है सामने, तो आपके पास में है तो एक बार आपको होल्ड ही करना है। दूसरी बात लाख रुपए बिल्कुल नहीं लगाने हैं, लेकिन बिजनेस मॉडल अच्छा है तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए बने रहना है क्योंकि आने वाला टाइम है पावर का ही। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।